नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से STET 2019 के मेरिट लिस्ट कैंडिडेट यहां पे खड़े हैं। ये लोग हाथों में, इन लोगों ने एक बैनर ले रखा है जिसमें लिखा है STET 2019 मेरिट कैंडिडेट लिस्ट। तमाम तस्वीरें देख रहे हैं आप, जो लोग हैं ये लोग वीरचंद पटेल पथ पे हैं। इस वक्त राजद कार्यालय के ठीक सामने खड़े हैं, हाथों में पोस्टर है, भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। क्या उद्देश्य है? सर, मेरा एक ही उद्देश्य है, सरकार जो एग्जाम से पहले विज्ञापन दिया था उस विज्ञापन का सरकार पालन करे, क्योंकि बीच में नियम नहीं बदला जाता है। सरकार खुद कहती है कि बीच में नियम नहीं बदला जाता। किसी खेल में जो पहले नियम बना दिया जाता है उसी के अनुसार अंतिम मंजिल तक पहुँचाया जाता है। हम लोग 30,675 मेरिट लिस्ट में हैं। सरकार मेरिट लिस्ट की बहाली करे ताकि स्कूल में, बिहार के स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिले। बिहार में सर 2.5 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जरा सोचिए कि उस स्कूल के बच्चों का भविष्य क्या होगा, उस स्कूल में पढ़ने वाले। यहाँ पे किस लिए पहुँचे आप लोग? यहाँ पे हम लोग विज्ञापन का पालन करवाना चाहते हैं। एक हाई स्कूल में स्टेट परीक्षा हुआ था टीचर के लिए, बस हम सरकार से कहते हैं हमारे विज्ञापन को पालन करें। सरकार, अभी आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर पुलिस पहुँच जाए लाठी बरसा। सर देखिए, कौन ऐसा एग्जाम होता है जिसमें बच्चे पास और फेल नहीं होते? जो फेल हो गया है वो कुछ दूरी पे गांधी मैदान में एकत्र होकर के आंदोलन कर रहा था। हम लोग इनकाउंटर करने के लिए बस यहाँ आप लोग को बैठ दे रहे हैं कि हम लोग का मांग जेन्युइन है, हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। चलिए और कुछ अभ्यर्थियों के पास चलेंगे, क्या मांग है आप लोगों का, आप लोग यहाँ पहुँचे? देखिए, मेरी मांग ये है कि सरकार 2019 में विज्ञापन निकालती है स्टेट परीक्षा के लिए, और वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें कि खुद सरकार कोर्ट में काउंटर भी दी हुई है, 82-50-20 में काउंटर दी हुई है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। मैं 30,675 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में है, मगर ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है हमें सरकार से, जो माननीय अभी शिक्षा मंत्री के पद पे हैं या माननीय मुख्यमंत्री हैं, कि जिस विद्यालय में आप मेरिट के टीचर का बहाली कराने जा रहे हैं उसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है, उसमें उस आप पटना हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि सर्वे करा के दीजिए कि कितने IAS IPS के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, जिसका जवाब अभी तक काउंटर फाइल हाईकोर्ट को नहीं की है। मैं तो शिक्षा मंत्री से ये भी मांग करता हूँ, अपने शिक्षा मंत्री से, कि आप अपने शिक्षक का सर्वे कराइए कि कितने शिक्षक के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। सरकारी विद्यालय में वही पढ़ने जाते हैं जिनको रोटी मकान और कपड़ा की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए मैं उस गरीब अभ्यर्थी का आवाज उठाने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हूं कि वहां जब भी जाए मेरिटोरियस टीचर जाए। ये सरकार की जो तुगलकी फरमान है जिसमें बोला गया है कि योग बराबर है, योग बराबर 2011, ये कतई संभव नहीं है। उसमें योग टीचर की ही बहाली होनी चाहिए, क्योंकि उसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। और ये बिहार के 12 करोड़ जनता से मैं आह्वान करता हूं कि उस गरीब के लिए आप जितना संभव हो सके संपर्क कीजिए, मेरे नौकरी के लिए संपर्क में मत कीजिए। इसके लिए मैं मर मिटने को तैयार हूँ कि उसमें गरीब का बच्चा जिसमें पढ़ रहा है उसमें योग्य शिक्षक जाएं। माननीय मंत्री जी कहते बोले हैं कि मैं शिक्षा के सर्वमीकरण में लगा हूँ, मगर फिर बोले कि क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ही हाई स्कूल में मैं पात्रता परीक्षा न लेकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा हूँ, और अब अपने बयान से पलट गए, अब फिर उसको पात्रता परीक्षा साबित कर दिए एग्जाम आने के बाद। मगर मैं ये मीडिया भाई बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि एक गरीब के बच्चे का आवाज़ उठाया जाए कि उसमें वही बच्चा पढ़ने जाता है सरकारी विद्यालय में जिसके रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता से सही से पूर्ति नहीं होता है। सरकार IAS IPS के बच्चे के क्या शिक्षक के बच्चे का सर्वे करा ले कि कितने बच्चे उस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। और मेरिटोरियस है, क्या मांग है? मेरी मांगे को नहीं मानेगी तब तक हम सड़कों पे आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे। स्टेट 19 जो मेरिट में आए कैंडिडेट है, वहीं हम सभी लोग का मांगे कि हम सब लोग का तत्काल जो है अविलंब नियुक्ति दे सरकार, और विज्ञापन का पालन करे। इस गांधी के देश में आप खुद नियम बनाते हैं और अपने नियम से पलट जाते हैं, ये कहां से? आज RJD दफ्तर पहुंचे, चलिए मांग हम लोग जानते हैं। विज्ञापन देखिए, RJD में नहीं पहुंचा हूं, ना ही कोई विद्यार्थी पहुंचा है, कार्यालय के पास हम लोग हैं, यहां पर छाया है। RJD के नेता समर्थन देने आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मरता क्या नहीं करता। हम लोग सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम किसी भी पक्ष के पास जाएंगे अपने मांगों को मनवाने के लिए, कहेंगे। यदि सरकार हमारी मांग मानेगी तो हम क्यों जाएंगे किसी के पास? स्टूडेंट सभी पार्टी का सपोर्टर होता है, इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि हमारी विज्ञापन का
अविलंब पालन करो, और जो 26 जून का जो काला फरमान जो लेटर आपने जारी किया है उस लेटर को तत्काल सरकार वापस ले, और हम 30,675 जो मेरिटधारी विद्यार्थी हैं वो सबका जो है अविलंब नियुक्ति के लिए भारी संख्या में आप लोग पहुंचे। आगे क्या होने वाला है? आगे क्या होगा, आगे हम लोग सरकार जो हमारे साथ अन्याय किया है इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और यहाँ से सरकार को चेतावनी देने वाले हैं कि सरकार कान खोल कर सुन लीजिए, हम लोग साथ जो अन्याय करना बंद कीजिए और बिहार के विकास के साथ भविष्य के साथ अन्याय करना बंद कीजिए, क्योंकि अब नहीं चलेगा। अब बिहार का जागरूक लोग हो गए हैं, अपने अधिकार को मांगेंगे, अपने अधिकार को छीन कर लेंगे। और ये मजदूर हम लोग नहीं है, हम लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं, गोली हम ही खाते हैं। आज भारत के विकास में मेरा योगदान है, गुजरात महाराष्ट्र जाकर हम विकास हम करते हैं और गोली भी मारते हम खाते हैं, भगाए भी हम जाते हैं। ये सरकार नहीं दिख रहा है, ये जो है कि सरकार को नहीं समझ पा रहा है क्या ये कैसी सरकार है, ये अंधीवादी सरकार है जो हम लोग गोली खा रही है, नहीं देख रही है सरकार। ये जब यूपीएससी में टॉपर करता है तो उसको वो जो है कि उसको जो है कि सम्मान देने जाते हैं, लेकिन वो गरीब का बच्चा जो आज पढ़ रहा है, आज स्कूल में टीचर नहीं है और बिना टीचर का पढ़ रहा है, तो उसको उसके लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है। उसके लिए ना पहले सोचना चाहिए सरकार को कि वो गरीब का बच्चा इस विश्वास से ना पढ़ रहा है स्कूल में जा करके कि वो टीचर आएंगे पढ़ाएंगे हम पढ़े लिखेंगे तो हम जॉब लेंगे, लेकिन आज क्या हो गया है, आज तो शिक्षा के लिए तो पढ़ाएंगे क्या, और किसी तरीका से पढ़ भी लिए तो जब नौकरी की बारी आती है तो उनके अधिकार को ले लिया जाता है। ये हम कहने आए हैं यहाँ से। आज हम लोग बिटन पटन मार्ग में क्यों आए, यही गूंज उठी है पूरे एसटीटी की, और 30,675 अभ्यर्थी जहाँ भी है वो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ये अंधी बहरी गूंगी हो गई है, सरकार ये गूंगी हो गई है, इस सरकार को आवाज़ पहुँचाना जरूरी हो गया है। और हम लोग संविधान के अंदर रहते हुए संवैधानिक रास्ते पे आंदोलन कर रहे हैं, कोई हम लोग उग्र आंदोलन नहीं कर रहे हैं। सरकार को लेकिन समझना चाहिए कि बिहार का विकास, बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्या हाल हो गया है। आज जो है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ये हाल हो गया है कि आज स्कूल में एक टीचर है, कोई कोई स्कूल में हाई स्कूल में एक टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है। क्या सरकार नहीं समझ रही है? सरकार सब समझ रही है, लेकिन जानबूझ कर सरकार जो है कि हम लोग साथ अन्याय कर रहे हैं। तो एसटीटी के समर्थन में चिराग पासवान की पार्टी भी पहुँच गई है, प्रवक्ता है चंदन सिंह, लोजपा रामविलास के लोग प्रवक्ता हैं चंदन सिंह, आप लोग इनके समर्थन में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बड़ा अन्याय है, इन सभी विद्यार्थियों के साथ राज्य सरकार लगातार अन्याय कर रही है, इस अन्याय का हम विरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर थके हुए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मेरा आग्रह होगा उनसे कि जो मेरिट के विद्यार्थी हैं इनको नौकरी मिलना चाहिए, और जो उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं जो नन मेरिट के लोग हैं इनके लिए भी अतिरिक्त सीट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि नौजवान यह बिहार के हैं, अगर आप इनको रोजगार नहीं देंगे तो ये कहीं ना कहीं पलायन बिहार से करेंगे, और पलायन जब करेंगे तो एक बात बताइए, लोग कश्मीर वाले एक बात बताइए, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर पुलिस लाठी बरसाती है तो क्या अभी इनके साथ हम लाठी खाएंगे? इनके साथ चिराग पासवान की पार्टी लाठी खाएगी? बिल्कुल खाएगी, चिराग पासवान की पार्टी इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ और समर्थन दे रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो एसटीटी के अभ्यर्थी हैं वो भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, मानव श्रृंखला बनाने की इन लोगों की कोशिश है, यहाँ पे खड़े हैं ये लोग काफ़ी देर से, भारी संख्या है लोगों की, उनका कहना है अगर पुलिस लाठी बरसाती है या फिर कुछ भी होता है ये लोग यहाँ पर अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े रहेंगे। हम आपको तमाम एसटीटी से जुड़ी अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद।